अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी के यूज़ करके आप किस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप कमर्शियल आर्टिकल लिख सकते हैं। अच्छा, जब हमने स्टार्ट की थी चैट जीपीटी से कमर्शियल आर्टिकल लिखना, उस वक्त के प्रॉम्प्ट्स वगैरह नहीं थे, तो उस वक्त बहुत मुश्किल होता था आपको आर्टिकल लिखना। जब से ये प्रॉम्प्ट्स और ये एक्सटेंशन वगैरह आई हैं, तो इससे बहुत आसानी के साथ आप ना ये चीज़ें राइट कर सकते हैं। तो उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इन्फो आर्टिकल्स लिखना बताए थे आपको, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी क्यूरी आपकी रिलेटेड टू SEO तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमें फेसबुक पर भी रीच आउट कर सकते हैं। अच्छा, आज मेरे पास जो टॉपिक है ना, जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल एफिलिएट आर्टिकल लिखना, वो है मेरे पास बेस्ट शूज फॉर मैन। अब ये मेरा मैन की वर्ड है, बेस्ट शूज फॉर मैन, जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखना है एफिलिएट। सबसे पहले तो मैंने करनी है प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोडक्ट, ऐसे ही नहीं जाना कि चैट जीपीटी को बोलना है कि आपको आर्टिकल लिख के दे। आपने सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी चूज करनी है, ठीक है। चूज कैसे करनी है, सिंपल, आपने अपने कॉम्पिटिटर को उठाना है और उनमें से चेक करते जाएं कि उन्होंने कौन से रिव्यूज किए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको खत्म करता हूँ और अब देखते जाएं, इसने एक रिव्यू किया थी ग्रेट द रॉयल, ये वाला शूज एक मुझे यहाँ से मिला है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चैट जीपीटी को जाके बोलेंगे कि आपको इस शूज का रिव्यू लिख के दे, तो आपकी साइट या आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होगा। मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में सारी डिटेल दूंगा किस तरीके से AI से आर्टिकल लिखते हैं। AI से आर्टिकल लिखने का एक तरीका है प्रॉपर, जो आप आर्टिकल लिखेंगे तब ही रैंक होगा। अगर आप रफ आर्टिकल लिखेंगे तो आपका आर्टिकल रैंक ही नहीं होगा। अगर उसके बाद मैंने दूसरी प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर ली, जो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से तीसरी प्रोडक्ट ये मैंने सेलेक्ट कर ली, और एक अधिक प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट मैं उठा लेता हूँ Amazon, दो प्रोडक्ट मैं उठा लेता हूँ Amazon से, ठीक है। मैं Amazon के ऊपर गया, मैंने बेस्ट शूज फॉर मैन, ठीक है, मैंने यहाँ से गया, मैंने यहाँ से इसको ओपन किया, ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मैन। अब मैं यहाँ से चेक करता जाता हूँ ये चीज़, ठीक है, ये वाले, और अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो मुझे ये वाला शूज़ अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ। और अगेन मैं जाता हूँ जी, मेरे पास है एक तो ये मैंने ओपन किया था और एक ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये अलग अलग दो शूज़ हैं, मैंने यहाँ से इसको ओपन किया था और अब मैं इसको यहाँ से अपने पास से, अब मैंने इन पांच के ऊपर रिव्यू लिखना है। रिव्यू कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपने चैट जीपीटी को बोलना है बेस्ट शूज फॉर मैन, प्लीज राइट मी आ प्रोडक्ट रिव्यू इंट्रो एंड मेक श्योर यू राइट इट एज यूज दिस प्रोडक्ट। अब आपने इसको इस तरीके से एक, अच्छा ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं ले जाता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं लिख के दे रहा, मैं क्या इसके ऊपर जाता हूँ, ये अगेन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आपको बताता हूँ। Wait 1 minute, जैसे कोई और तो नहीं यूज कर रहा, मैं जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि, अच्छा अब देखें, इसने मुझे लिख के दिया कि स्टेप इनटू वर्ल्ड ऑफ अनपैरेलल्ड, मुझे छोटा सा इंट्रो चाहिए, मैंने इसको इंट्रो यहाँ से किया और मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अगेन मैंने जाना है, अब इस इंट्रो मेरा आ गया, ये मेरे पास आ गया इंट्रो। मैं बल्कि क्या काम करता हूँ कि
मैं एक नया आर्ट डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा कि आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। बेस्ट शूज फॉर मेन, इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है, और यहाँ पे जाके टाइटल करके अब मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूँगा जो कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन बनाया है, रिलेटेड टू बेस्ट शूज फॉर मेन। अच्छा, सबसे पहले जो मेरे पास जूता आ रहा है जिसके मैंने रिव्यू को ग्रेड दी रॉयल, सबसे पहले ग्रेड दी रॉयल का मैंने करना है। सबसे पहले ग्रेड दी रॉयल को मैंने किस तरह करना है, आपने एक्सटेंशन पे ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने जाकर लिखना है जी प्रोडक्ट रिव्यू और सर्च कर लेना है। ये वाला जो प्रोडक्ट रिव्यू का है ना, ये बेहतर है काफी। आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है ये प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, उसको बताना है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। अगेन जाना है, आपने यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट फीचर और इसको ओपन कर लेना है यहाँ से, प्रोडक्ट के फीचर्स कहीं से भी आपने प्रोडक्ट फीचर्स उठा लेने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट फीचर कैसे आपने उठाना है, एक तो ये लेदर का है, साइज रेंज, ये दो चीजें इसकी फीचर है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी डिटेल पढ़ूंगा कि यार ये किसके रिलेटेड है, फैशनेबल एंड फंक्शनल। बिल्कुल, मैं यहाँ पे जाऊंगा, उसको बोलूंगा हियर इज दी डिस्क्रिप्शन, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन भी दे दी इस जूते की। डिस्क्रिप्शन क्या है, फैशनेबल एंड फंक्शनल, मैंने कॉपी किया, मैंने उसे ये दिया, मैंने कॉमा प्लेस किया, अगेन मैंने कुछ और चीजें निकाली हैं, लुक जस्ट गुड विद जीन्स एंड दैट खाकी स्लैक्स, मैंने इसको कॉपी किया विद वाइट बटन डाउन, इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया। अब देखें ये चैट जीपीटी हमें किस तरह का आर्टिकल लिख के दे। अब मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, अब देखते हैं ये हमें क्या कौन सा आर्टिकल लिख के देता है, और एक बेहतरीन एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल आपको लिख के दे। जब आप इसको बोलेंगे ना कि ये पूरा आर्टिकल लिख के दे, तो ये बहुत गलतियां करेगा, लेकिन जब आप इसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गाइड करेंगे ना कि ये चीजें मुझे लिख के दे, जैसे आप इसे लिख के दे ग्रेट रॉयल शोज अपने बिहाइंड फैशन एंड फंक्शनैलिटी, बिल्कुल जबरदस्त जो चीज हमने दी थी। इसने हमें साइज भी बता दिया 7 to 15, और इसने हमें जो भी चीजें हमने दी थी वो सारी इसने हमें बता दी। हम इसको ऐसे कॉपी करेंगे, और अगर हमने इसे बुलेट पॉइंट में बनाना है तो मैं इसे क्या बोलूँगा, अब आपने यहाँ पे अगर इस चीज को बुलेट पॉइंट में बनाना है, अब इसको कॉपी करें, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया। अब मैंने इस पूरी चीज को बुलेट पॉइंट में बनाना है, मैं इसको क्या बोलूंगा, आप यहाँ पे गया, मैंने पे प्लेस किया, मैंने बोला प्लीज राइट दीज फीचर्स इनटू बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि इतने लंबे आर्टिकल्स को रीड नहीं करता, तो जब तक आपके प्रॉपर बुलेट पॉइंट में ये फंक्शनैलिटी या इस तरह की चीजें नहीं आएंगी ना, तो कोई बंदा भी रीड नहीं करेगा। अब जैसे मैंने ये पूरी की पूरी मुझे ये चीजें लिख के दे दी, अब मेरे लिए बेहतर है। आप देखें आप कितना अच्छे तरीके से ये साइड का जो ये तरीके से ये बन गया। अगेन मैं यहाँ पे होऊंगा, मैं वर्सटाइल को बोल्ड करता जाऊंगा, इसको भी बोल्ड किया मैंने, इसको भी अगेन बोल्ड किया, और ये सारी जो बोल्ड होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं दूसरा भी आपको करके दिखाता हूँ, मैंने कॉपी किया सिंपल, ठीक है, मैं अगेन आया गूगल के ऊपर, आया सॉरी चैट जीपीटी के ऊपर, मैंने इसके यहाँ पर प्ले, बल्कि यहाँ पे मैं गया न्यू चैट के ऊपर, न्यू चैट के ऊपर प्रोडक्ट रिव्यू को आपने ओपन करना है, अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यू को सिलेक्ट करना है, सिंपल आपने लिखना है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे डाल दिया आपने, अगेन दो तीन ऑप्शन छोड़ के आपने लिखना है प्रोडक्ट फीचर, और आपने यहाँ पे ये, और आपने यहाँ से इसका चेक कर लिया मटेरियल लेदर है, ठीक है, हमारे पास इसका जो मटेरियल है वो लेदर है, और अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और मैं जब जाऊंगा यहाँ पे तो प्रोडक्ट मेरे पास डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगी, ये डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले पॉलिश्ड पेयर आपको मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। अगेन मैं गया जी ये
चेस्टनट्स ऑक्सफोर्ड, ये कोई आसान फाज इसकी जो ऊपर का जो लेदर है या क्या चीज़ है, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो इस स्पेसिफिकेशन को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे जी एम फाइन बेटर ऑपरेटिंग, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, ये देखें अभी हमें किस तरीके से ये चीज़ लिख के देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसने हमें लिख के दे दी, पहला पॉइंट तो ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे आया, अब मैंने यहाँ से इसको ये ओपन किया और इसको कॉपी किया, यहाँ पे गया, प्लेस किया और इसको मैंने खत्म किया। अब ये जो नीचे दो आर्टिकल है ना, ये वाले, इनको मैंने बुलेट पॉइंट में कंसिडर करना, मैं इसको बोलूँगा प्लीज राइट मी दीज दीज फीचर्स इन बुलेट पॉइंट्स। अब देखिए ये मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख के इंशाल्लाह देगा, ये देखिए इसने मैं बुलेट पॉइंट्स में लिख के दे दिया। तो ये यहाँ पे इसने कॉपी करना है आपने इसको, और यहाँ पे आके आपने इसको प्लेस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है आर्टिकल राइटिंग में, फर्स्ट ड्राफ्ट से आपने ऐसे उठाना है इसको, कॉपी करना है और आपने चले जाना है कहाँ पे, ग्रामरली के ऊपर। फर्स्ट तो आपने यहीं से चेक कर लेना है कि क्या इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, तो यू नो अवेलेबल सजेशन टू रिव्यू, ये मुझे यही बता रहे, ठीक है। मैं जाऊँगा ग्रामरली के ऊपर, मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा अपना ग्रामरली, और ग्रामरली में प्लेस करके मैं ये चीज़ चेक करूँगा कि क्या ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। ग्रामरली के ऊपर गया और मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया। ग्रामरली में डालने के बाद आपने एक और चीज चेक करनी है, जहाँ से बाइंग गाइड, ठीक है। एक और आपने चीज चेक करनी है कि जैसे अब इसने कितने रिव्यूज लिखे हुए हैं, और क्या किसी ने बाइंग गाइड भी लिखी है। अगर किसी ने बाइंग गाइड लिखे, तो आपने भी बाइंग गाइड लाजमी लिखनी है अपने आर्टिकल में, ताकि वो एक वैल्यू एडेड आर्टिकल हो, ठीक है। तो ये बाज़ मसला करता होता है, ठीक है, ऐसा हर बंदे के साथ होता है, ठीक है। अब ये H1 मेरा हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपने ऐसे कर लेना है, H2 H3, और अगेन ये सारी मिस्टेक्स आपने ख़त्म करके आपका जो आर्टिकल बनेगा वो बेहतरीन SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल बनेगा, ठीक है। ये देखें जी, इस तरीके से चैट जीपी, जब आप चैट जीपीटी को सिर्फ प्रोडक्ट नाम दे देंगे ना, तो वो गलत हर चीज़ लिखेगा, उसके बारे में उससे नहीं पता क्या चीज़ है, मतलब कहाँ से सुटेबल है, नहीं है, पॉलिश है, कौन सी चीज़ है, तो उसको प्रॉपर डिटेल देनी है, तब वो आपको एक अच्छा आर्टिकल लिख के देगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई भी क्यूरी रिलेटेड टू SEO कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, हमें फेसबुक पर भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।